नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, अपकमिंग तमिल एक्शन थ्रिलर मूवी शिरू जो रिलीज होने जा रहा है 7 फरवरी को, बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म की प्रिडिक्शन, यानी दोस्तों इस फिल्म की बजट, फिल्म कितनी स्क्रीन पे रिलीज होने जा रहा है, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए कितने करोड़ की बिजनेस करने होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों शिरू मूवी जिसे डायरेक्ट किया है रथीना शिवाजी ने, वही दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है ईशारी के गणेश जी ने। बात करेंगे दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों फिल्म के स्टार कास्ट में देखने को मिलेगा आपको रिया सुमन, जीबा, गायत्री, नवदीप और सतीश जी को। हालांकि दोस्तों और भी कई अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में जुड़े गए हैं। बात करें दोस्तों इस फिल्म की बजट की, तो दोस्तों इस फिल्म की बजट ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन दोस्तों रिपोर्टिंग के जानकारी के अनुसार फिल्म शुरू के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी दोस्तों फिल्म बन के तैयार हुए है 22 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट है 3 करोड़ रुपए, यानी दोस्तों शिरू मूवी के टोटल बजट हो जाते हैं 25 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों शिरू मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए मिनिमम 35 करोड़ की ऊपर बिजनेस करने होंगे। वही दोस्तों फिल्म दो भाषाओं के साथ रिलीज होने जा रहा है, तमिल और तेलुगु। हालांकि दोस्तों इस फिल्म का नाम तेलुगु वर्जन पे रखा गया है, स्टेलिन आंध्रा भाईदू। वही अगर बात करें दोस्तों रनिंग टाइम की, तो दोस्तों फिल्म पूरा 2 घंटा 2 मिनट के होने वाला है। टोटली एक्शन मूवी है जो आपको बोर नहीं करेगी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के स्क्रीन काउंट की, तो दोस्तों शिरू मूवी को इंडिया में लगभग 1800 स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है, और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को लगभग 400 के करीब स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है। यानी दोस्तों शिरू मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड 2200 स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है। बात की जाए दोस्तों फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस यानी दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले के इनकम की, तो दोस्तों शिरू मूवी के डिजिटल राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं 12 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यानी दोस्तों फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं 15 करोड़ रुपए में, और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 3 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों जीबा स्टारर मूवी शिरू अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेस कर लगभग 30 करोड़ की रिकवरी कर ली है। बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म तमिल और तेलुगु दो भाषाओं के साथ रिलीज होने जा रही है, जो कि फिल्म के पहले दिन दो भाषाओं के साथ एक्सपेक्टेड इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर सकते हैं 10 से 12 करोड़ रुपए। वही अगर फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों फिल्म शुरू लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस में नेट कलेक्शन कर सकते हैं 25 से 30 करोड़ रुपए। वही अगर फिल्म को अच्छे और पॉजिटिव रिव्यू मिलता है अपने ऑडियंस से, तो दोस्तों फिल्म लाइफ टाइम इंडिया बॉक्स ऑफिस में 70 से लेकर 80 करोड़ की बिजनेस कर सकते हैं, जो कि सुपर डुपर हिट साबित होगी। तो खैर दोस्तों ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा आखिर कितना कमाल कर पाएगा ये फिल्म। तो गाइस अगर आप शिरू मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और शिरू मूवी के पल पल बॉक्स ऑफिस खबरें के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट में, टेक केयर, बाय।